हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वर्षा एंड यू आर वाचिंग ब्यूटी नेचुरल गाइस। तो मेरी जो फर्स्ट पेमेंट है वो मुझे रिसीव हो चुकी है, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करूंगी एंड मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं और अगर आप अपना चैनल बनाना चाहते हैं और एक स्टूडेंट भी हैं और अपने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो भी आप लोग कर सकते हैं। तो मैं ये भी बताने वाली हूँ मुझे कितनी सैलरी मिली एंड उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा, सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। सो गाइस, सबसे पहले जो होता है आपको चैनल को मोनेटाइज करना होता है, ये सबको ही पता है। तो मेरा चैनल मोनेटाइज जब हुआ, जब मेरे मोनेटाइज को 2 मंथ बचे थे, लाइक 10 मंथ हो चुके थे एंड 12 मंथ में करना होता है, 1 साल में आपको कंप्लीट करना होता है। तो मेरा ओनली 2 मंथ बचा था जब मेरा मोनेटाइजेशन का जो उन्होंने मांगा होता है वो सब कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और गाइस, जो मेरी पेमेंट थी ना वो मेरे को 21 को, जैसे कि हर यूट्यूबर की आती है, बट 22 को रिसीव होती है और 23 को आपके अकाउंट में आ जाती है, ठीक है। कईयों की जल्दी भी आ जाती है, कईयों की लेट भी आ जाती है, तो मेरी तो 23 को आई थी। बट मैं आप लोगों के साथ इतना लेट शेयर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज से आकर फिर मेरा मन नहीं करता वीडियो शूट करने का और मेरे को बहुत ज़्यादा थकान सी होने लगती है, तो इसलिए मैंने आज वीडियो शूट किया। और मैंने सोचा ठीक है, सबको बताती हूँ मेरी फर्स्ट पेमेंट क्या है। डेफिनेटली कोई मेकअप रिव्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट आप लोगों के लिए जो भी है बेस्ट है, अच्छा है। अगर आप लाइक एक स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, या फिर आप एक जॉब भी करते हैं लेकिन उसके साथ आप कुछ और करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली यूट्यूब को ज्वाइन कर सकते हैं एंड यूट्यूब पे वीडियोस बना के फेमस हो सकते हैं, अपने वीडियोस को वायरल कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचते हैं कि हमें कोई टैलेंट नहीं, हमारी वीडियो कौन देखेगा, तो मेरे दिमाग में भी यही बात थी जब मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो बनाई थी। एक्चुअली मेरे दिमाग में ये बात थी नहीं कि मेरी वीडियो कौन देखेगा, मुझे इतनी खुशी हुई थी जब हमारा फर्स्ट लॉकडाउन लगा था कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगी और मैं फेमस हो जाऊंगी, मुझे ऐसा लगा था। पर उस चीज़ के लिए बहुत टाइम लग गया क्योंकि यूट्यूब ऐसे ही किसी को पैसे नहीं देता है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। जब आप मोनेटाइजेशन की कंडीशन कंप्लीट कर लेते हो तो आपके सामने आती है गूगल एडसन की कंडीशन। सो गूगल एडसन की कंडीशन कुछ ये होती है कि आपको जो है गूगल एडसन की तरफ से पिन मिलती है। तो मेरा जो था ना फर्स्ट वाला, जो मैंने फर्स्ट बार मंगाया तो वो तो गलत एड्रेस पे ही चला गया था, मतलब मेरे घर ही नहीं आया था। सेकंड बार मंगाया वो भी गलत हो गया, और ये मेरा लास्ट चांस था जिसमें मुझे मेरा गूगल एडसन पिन रिसीव हो गया था एंड मुझे मिल गया था मेरा गूगल एडसन पिन। तो यस गाइस, तो आपने सही सुना, मेरे को थर्ड टाइम में मतलब जब लगा ना कि हाँ छोड़। और ये भी आपको जॉब मिलता है जब आप $10 कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो $10 कंप्लीट किए फिर उसके बाद ये मिला, फिर आपको जो है पैसे कम मिलते हैं। उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद आपका जो है काम ख़त्म नहीं होता, आपको $100 करने पड़ते हैं, और आपके $100 प्लस भी हो सकते हैं, आपके $100 कम भी हो सकते हैं। तो मैंने अपने $100 कंप्लीट किए, फिर मुझको जाके रिसीव हुई मेरी फर्स्ट पेमेंट, जो कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ पाकर। ऑफकोर्स फर्स्ट पेमेंट की किसी खुशी नहीं होती क्योंकि आपने बहुत सारा हार्ड वर्क किया था, पर और जो मैंने अपनी फर्स्ट पेमेंट से था कपड़े खरीदे, ज्वेलरी खरीदी एंड सबसे पहले मैंने भगवानों को गिफ्ट किया, जो मैंने सोचा था मैंने वो सब किया। तो सबसे पहले बात ये आती है कि यार मेरे पास DSLR है क्या, तो मेरे पास कोई DSLR नहीं है, ठीक है। मैं अपने फ़ोन से ही शूट करती हूँ, मेरे पास रिंग लाइट्स है, मेरे पास प्रॉपर लाइट्स हैं, तो मैं उनको प्लगिंग करके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लगिंग हो रखी है, तो इसी तरीके से मैं एक वीडियो को मैंने शूट करना स्टार्ट किया। मेरे पास कोई भी आईफोन वगैरह कुछ भी नहीं था, लाइक नॉर्मल फ़ोन होता है बस वही था, और मैंने उसी से शूट किया। जब मैंने शूट किया तो एक होता है कि आपके पास अगर आप मेकअप का चैनल बना रहे हो तो आपके पास मेकअप भी होना चाहिए। तो हाँ ठीक है, मैंने जब भी मेरे पास पैसे आते हैं लाइक रक्षाबंधन पर, भैया दूज पर, मैं पैसे बचा के अपना मेकअप मंगाती हूँ, और मैंने अपना एक पूरा मेकअप का वो बनाया, ठीक है। अगर आपने मेरा मेकअप वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना कि मेरे पास इतना सारा मेकअप है, मतलब जो कि मैंने खुद से लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, फिर मेरी वीडियोस धीरे धीरे वायरल हुए और जिसकी वजह से मेरा मोनेटाइजेशन कंप्लीट हुआ, और फिर उसके बाद मेरे वीडियो और वायरल हुए जिसकी वजह से मेरा $100 कंप्लीट हुआ, और आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ खड़ी। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बस आपको गिव अप नहीं करना होता, आपको टाइम से यूट्यूब को, अगर आप किसी चीज़ को टाइम देते हैं तो वो चीज़ आपको फिर वापस वो चीज़ करती है, ये बात सच है। अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी जॉब भी लगते हैं, वैसे ही अगर आप एक अच्छी वीडियो बनाओगे तो आपकी वीडियो से ज़रूर यूट्यूब वायरल करेगा, एंड उसके ऊपर अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपका जो व्यूअर होगा वो वापस भी आएगा उस वीडियो को देखने। तो बस यही बात है गाइज, अगर आप
न्यू यूट्यूबर हैं, आप सोचते कि मैं गाँव से हूँ, या फिर मैं आप सोचते मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, मैं किस पे बनाऊँगी। तो आपका जो भी टैलेंट है, ज़रूरी नहीं है मेकअप, बहुत सारे टैलेंट होते हैं, हमें कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, पढ़ने का भी एक टैलेंट होता है, तो हम पढ़ाई भी शेयर कर सकते हैं कि आप मान लीजिए आप 10th के स्टूडेंट हैं, या फिर आप BA के स्टूडेंट हैं, या फिर आप मेरी तरह MA के स्टूडेंट हैं। तो गाइज आई एम ए MA स्टूडेंट, आई एम ए, ठीक है, तो मैं MA कर रही हूँ, वो भी बता दिया मैंने, वैसे बहुत उससे इंस्टाग्राम पर DM करके आप क्या करते हैं। तो मैं बता देती हूँ पहले कि मैं जो है एक MA स्टूडेंट हूँ, एंड मुझे 3 बजे मैं घर पे आती हूँ, और उसके बाद मेरे लिए वीडियो बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मेरा मन करता है कि मैं बस लेट जाऊँ, क्योंकि पूरा टाइम मुझे बैठे रहना पड़ता है क्लास में, तो कमर पेन करने लग जाती है सीरियसली। तो उसी चक्कर में बस मैं घर आकर बैठना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं पढ़ने लग जाती हूँ दोबारा से, जो मैं, ठीक है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता। बट अभी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, आपको यूट्यूब पे पर वीक कम से कम 2-3 वीडियोज़ पोस्ट करनी है अगर आपको वायरल होना है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ यार, गिव अप मत करो, कुछ भी हो, कोई भी टैलेंट हो, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, मेकअप ही क्यों ना हो, मुझे तो आप अपना करियर खुद डिज़ाइन कर सकते हैं गाइज। और मेरा जो ये करियर है, यूट्यूब करियर है, ये मैंने अपनी स्टडी के साथ ही कंटिन्यू रख, BA सेकेंड ईयर के लास्ट में जब एग्ज़ाम होने वाले थे, बिल्कुल मैंने जब स्टार्ट किया था, नहीं सॉरी, मैंने फाइनल ईयर में स्टार्ट किया था, फाइनल ईयर के फर्स्ट ईयर से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। एंड अब मैं MA के फर्स्ट ईयर में, मेरे को 1.5 ईयर लग गया सब कुछ कंडीशंस को कंप्लीट करने में, अपना जो भी यूट्यूब आपको टास्क देता है वो सब कंप्लीट करने में, और अपने सारे सब्सक्राइबर्स को जोड़ने में, अपने आप को प्रूफ करने में तो टाइम लगता है, बट आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी गाइज। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन, मेरे को कितनी सैलरी मिली है? तो मेरे को इतनी सैलरी, सबसे पहले बात तो ये है कि यूट्यूब की कंडीशन ही होती है कि आप अपनी यूट्यूब सैलरी जो है अपने सब्सक्राइबर को या व्यूवर्स को नहीं बता सकते, तो मैं आपको ये नहीं बता सकती हूँ गाइज। बट मैं इतना बता सकती हूँ कि मुझे इतनी सैलरी मिली है कि मैं बहुत सारा अच्छा नया मेकअप खरीद सकूँ, अच्छे कपड़े खरीद सकूँ, अच्छे मतलब अच्छा खरीद सकूँ, या फिर अच्छे एक फ़ोन भी खरीद सकूँ, ठीक है। तो मुझे इतनी यूट्यूब सैलरी मिली है, ठीक है। एंड और जो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग, और तो बस मेरा आपसे यही कहना है कि अब मैं मेकअप वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट कर दूंगी, और रिव्यूज़ वीडियोस भी आपके साथ साथ चलते रहेंगे, तो आप लोगों को पूरा देखना है। एंड अगर आप लोग गिव अवे चाहते हैं तो नीचे मैसेज करके बता दीजिएगा, मैं गिव अवे भी ज़रूर करूँगी जो मेरी सेकेंड पेमेंट है इससे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी गाइज, बाय, टेक केयर, TC, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। आई होप मेकअप ही आए, सो बाय गाइज।